पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश भर में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार अभियान चलाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। जहां लोगों के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो वहीं कुछ जागरूक लोग भी लगातार वैक्सीनेशन की डोज लेकर खुद को और अपने परिवारों को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं। टाउन हॉल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर एक ऐसा ही परिवार पहुंचा। सभी सदस्यों ने वैक्सीनेशन कराया। राजेंद्र कुमार टंडन अपने परिवार के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार जनता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज मैंने और मेरी मदर, जिनकी उम्र लगभग 84 है, और मेरी वाइफ जो 59 है, और मैं तो अभी बच्चा हूँ, हम तीनों ने मिलकर आज दूसरी डोज लगवाई है। और इससे जो पहली डोज लगवाई थी, लोगों ने भूखाल बना रखे थे कि जी ऐसा तबीयत ख़राब हो जाती है, ये होती। मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग खाना खा के जाएँ, भरपेट जाएँ और डोज लगवाएं, और उस डोज लगवाने से कोई भी किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि मैंने भी इसको परिपूर्ण देख लिया है। आज भी मैं लगवा कर आया हूँ, और मेरी सब लोगों से यही विनती है कि सब लोग ये वैक्सीन की डोज ज़रूर लगवाएं। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, सरकार ने आप लोगों के लिए दी है, और ये कोविड से बचाव के लिए है। मेरी सबसे यही कहना है कि आप लोग ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।